हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे। मैं भी हूँ एकदम बिंदास। तो आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? अगर थोड़ी सी पढ़ाई में रुकावट है तो पढ़ाई को चालू करने के लिए ये वीडियो है। वीडियो चालू कीजिए, पढ़ाई आपका चालू हो जाएगा। क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले मेंस्ट्रुएशन का बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, जो कि हम लोग का है राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या है राइट सर्कुलर सिलेंडर? यानी कि लंब वृत्ताकार बेलन। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे हर एक फॉर्मूला और फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोगों का पढ़ाई। सबसे पहले हम लोग समझते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी कि लंब वृत्ताकार बेलन होता कैसा है, किस तरीके से दिखता है। जानिएगा एक बात ध्यान से, ये हम लोगों का मेंस्ट्रुएशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। आपके बोर्ड के एग्जाम में अगर मेंस्ट्रुएशन से अगर कोई क्वेश्चन आया तो और सभी चैप्टर से आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन बेलन से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। तो आपका बेलन के ऊपर आपका कमांड हासिल होना चाहिए, बेलन के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। बेलन से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सको, इस तरीके से बेलन को सॉल्व कीजिए, इस तरीके से बेलन के सम्स को सीखिए। ठीक, तो इसीलिए हर एक चीज को कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। देखिए मेंस्ट्रुएशन का एक चैप्टर, हम लोग एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट किया तो दिए हैं, तो मेंस्ट्रुएशन बनता कैसे, सम्स मेंस्ट्रुएशन का सम्स कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो जानिए मेंस्ट्रुएशन का सम्स आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएगा अगर आप क्वेश्चन को पढ़कर इमेजिनेशन कर पाए तो। ठीक, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको इमेजिनेशन कर पा रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से उसके सम्स को सॉल्व कर पाएगा। मेंस्ट्रुएशन इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। ठीक, जिसका जितना अच्छा इमेजिनेशन उसका उतना अच्छा मेंस्ट्रुएशन। ठीक, क्या है दिक्कत, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद समझ में नहीं आता है, उसको हम लोग विजुअलाइज ही नहीं कर पाते हैं, यही दिक्कत है। और ऐसा क्यों होता है? लैक ऑफ वर्ड नॉलेज, वर्ड का नॉलेज कम होता है हम लोग का, शब्दों की कमी, शब्दों का ज्ञान कम होता है, शब्द पढ़ के उसका हम लोग माइंड में इमेज नहीं बना सकते। जैसे अगर मैं बोलूं आपको एप्पल, तो आप माइंड में इमेज बना दो ना, एप्पल का माइंड इमेज बनता है। मैं बोलूंगा मैंगो, अभी मैंगो सीजन चल ही रहा है, मैं बोलूंगा मैंगो तो आपके दिमाग में मैंगो मैंगो आएगा ना, क्या मैंगो ऐसे दिखता है। अगर मैं नहीं बोलूंगा बेलन तो आपके दिमाग में क्या बेलन बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो वो बनना चाहिए। ठीक, तो बनेगा कैसे, दिखता कैसा है बेलन, वो मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए बेलन कुछ किस तरीके का दिखता है, ये हमारा जो है ना बहुत तक बेलन बना है। ठीक है, बेलन में ये बेलन का रूप है, आपको मैं बेलन का और रूप दिखाऊंगा बहुत अच्छे से, शांत रहिए। बेलन का जो आधार होता है ये एक वृत्त के आकार का होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लंब वृत्ताकार बेलन। ठीक, इसका आधार वृत्त के आकार का होता है और जहां पे आता है वृत्त वहां पे आ जाता है हमारा अर्धव्यास। हम लोगों का क्या है अर्धव्यास, और ये होता है जो लंबवत दूरी होता है वो किसी भी आकार के शेप हो, किसी भी शेप हो उसका ये ऊंचाई होता है, जो लंबवत दूरी होता है ऊंचाई होता है, चाहे वो 2D शेप हो या फिर किसी भी 3D शेप हो, उस शेप का जो लंबवत दूरी होता है वो हमारा ऊंचाई कहलाता है। उम्मीद है बात समझ आ गया होगा। तो ऊंचाई को एस दिखाते हैं, अर्धव्यास को आर दिखाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का एक बेलन का रूप है, क्लियर है ना। अब देखिए जरा सा, बेलन में हमारे ना दो तरह के तल पाए जाते हैं। बेलन में कितने तरह के तल पाए जाते हैं? दो तरह का, एक वक्र तल पाया जाता है, एक समतल पाया जाता है। वक्र तल मतलब जो घुमावदार तल है, जो घुमावदार तल है वो है हमारा वक्र तल। जो समान तल है वो जो मतलब की जो आधार है जैसे कि ऊपरी तल है जो, वो दोनों क्या है समतल है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया बेलन में दो तरह के तल है। तो बेलन में अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तल कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के हैं, एक वक्र तल दूसरा है समतल। क्वेश्चन अगर मैं आगे पूछूं और बेलन में कुल तल कितने हैं, कितने सारे तल है, तो ये जानिए बेलन में कुल तीन तल है। कितने तल है? तीन। अब कैसे, एक हमारा ये वक्र तल हो गया, एक वक्र तल हो गया,
ठीक है, और दो जो एक नीचे आधार के पास तल है सम, और एक जो ऊपर में तल है, तो ठीक है ऊपरी तल और आधार का तल समतल होता है, वो दो तल और एक ठो वक्र तल, टोटल तीन तल होते हैं, समझ में आया ना बात। तो ये हो गया हम लोग का बेलन, ठीक है ना। तो बेलन का फॉर्मूला जानेंगे, उसके पहले हम लोग आपको, मैं आपको दिखाता हूँ बेलन एक्चुअली बना कैसे है। बेलन बनाया गया है इस तरीके से, देखिए मैं इसे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हम लोग एक A4 साइज पेपर है, कोई भी एक पेपर लो जो कि आयत के आकार का होगा, तो देखिए जैसा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो ये आप लोग को दिख रहा है ये हम लोग का आयत है ना। आयत, आयत का क्षेत्रफल कैसे होता है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक आयत ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ मैं एक आयत ड्रॉ कर रहा हूँ, चलिए देखिए और समझिए। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आप लोग को पता होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई करने पर क्या निकल जाता है आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब क्या, ये सब जगह मोड़ दू तो ध्यान से अगर देखिएगा इसको, तो ये एक पूरा बेलन का आकार ले रहा है, ये पूरा एक लंब वृत्ताकार बेलन का आकार ले रहा है, जिसका ये देखिए ये है हमारा आधार वृत्ताकार तल है ना, जॉइंट में इसे दिख रहा है, ठीक है ना। उम्मीद आप लोग इमेजिनेशन कर पा रहे हो ना। अच्छा मैं आप लोगों को जो जिस वक्र तल का बात कर रहा था, मैं वो वक्र तल आप लोगों को दिखाऊं क्या, वो वक्र तल देखिए, ये अगर हम लोगों का बेलन है, तो बेलन का जो ये वाला तल दिख रहा है जो घुमा हुआ है जैसे, ये इसका है वक्र तल, ठीक है ये इसका वक्र तल है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे तो ये सॉलिड नहीं है, ज्यादा आप समझते तो ये हॉलो है एक्चुअली, तो यहाँ पे जो एक तल बन रहा है, सो इमेजिन कीजिए कि ये भी एक सॉलिड है, तो यहाँ पे भी एक तल आपको नजर आएगा, तो ये इसका ऊपरी तल होगा और ये इसका आधार का तल होगा जो निचली होगा, ठीक है ना। तो इसका आधार और ऊपरी तल वृत्त के आकार का बनता है, ठीक है ना, और ये पूरे एक मिलन है, ठीक। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा मैं एक चीज और दिखा सकता हूँ, इसका मैं वक्र तल का फॉर्मूला बता दिया आपको, वक्र तल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता दिया, कैसे जल्दी क्या ना, लंबाई गुणा चौड़ाई से ये क्षेत्रफल है, और जब मैं इसको फोल्ड कर रहा हूं, इसको फोल्ड कर रहा हूं, तो इसका यही वाला जो क्षेत्रफल है ना, यही क्षेत्रफल इसके वक्र तल का बन जाता है, ध्यान दीजिएगा ये चीज है ना। इसको जब मैं फोल्ड किया, यही वाला जो तल था हम लोग का आयत के क्षेत्रफल का तल था, यही तल हम लोगों का एक्चुअल में वक्र तल बन जा रहा है, ये हम लोगों का वक्र तल बन जा रहा है। तो वक्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया, क्या हो गया, इसमें थोड़े आयत बोलेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये चीज देखी होता, जिसके ये लंबाई है, ये जो लंबाई है ये घूम के बन जा रहा है एक वृत्त का परिधि, जो लंबाई है इसको अगर घुमा दो, ये लंबाई क्या बन जा रहा है, इसका परिधि बन जा रहा है ना। और ये जो इसका चौड़ाई था, ये क्या बन जा रहा है, बेलन का ऊंचाई बन जा रहा है, बेलन का ऊंचाई बन जा रहा है, बात समझ आया ना। देखो ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई ये घूम करके ऊंचाई बन जाता है, और ये बेलन था, बेलन का जो लंबाई था, सॉरी आयत का जो लंबाई था, वो इसका जो वृत्त बन रहा है, तो उस वृत्त का परिधि बन जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को समझ में क्या आया, बात समझ में ये आया कि अगर हमको इस बेलन के केवल वक्र तल का क्षेत्रफल चाहिए, वक्र तल का जो घुमावदार तल है, सिर्फ उसका क्षेत्रफल चाहिए, आधार का और ऊपरी तल का बात मैं नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल वक्र तल का बात कर रहा हूं। तो ये वक्र तल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर मैं आधार की परिधि निकाल पाऊं और उसको ऊंचाई से गुणा कर दूं, तो निकल के आ जाएगा वक्र तल का क्षेत्रफल। अब आधार किस आकार का है, वृत्त के आकार का है, और वृत्त का परिधि का फॉर्मूला दोनों सेपरेट में जानते हैं, क्या होता है जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, 2πr, क्या होता है 2πr। अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों लोगों को लगने वाला अभी इसे बता रहा हूं, क्या होता है πr², ठीक है। ये दो फॉर्मूला होता है वृत्त का, जो कि हम पहले से जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा परिधि का एक और फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि का एक और फॉर्मूला होता है, dπ होता है फॉर्मूला, dπ क्या है, यहाँ पे r हम लोग का अर्धव्यास है, अगर हम लोग को
व्यास पता होता है, व्यास व्यास यानी कि दोनों दो अंडरस को मिला के बनता है व्यास, ठीक है ना। तो व्यास को हम लोग इन जनरल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, डी फॉर डायमीटर यानी कि व्यास। बातें समझ में आ रही है अभी, ठीक है। और व्यास को अगर पाई से इंटू कर दिया जाए तो डायरेक्ट वृत्त का परिधि निकल जाता है। तो ये दूसरा फॉर्मूला है वृत्त का, और एक्चुअल पहला फॉर्मूला यही है, इसके बाद ही ये वाला आया है हम लोगों का, ठीक है ना। तो भाई यार कैसे ये जानना है, ये देखो डी है क्या, डी एक्चुअली में व्यास है, और आर क्या था हम लोग का अर्धव्यास, दो अर्धव्यास को मिलाओगे तो बनेगा व्यास। तो मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा सा ज्ञान ही दू, क्या यहाँ पर लिख देता हूँ, डी हम लोगों का क्या है, दो अर्धव्यास का मिक्सचर है। यहाँ पे अगर डी की जगह पे टू आर बैठा होगे तो बन जाएगा टू आर पाई, उसी को अच्छा लगने के लिए लोग कुछ ऐसे बोले थे उसको टू पाई आर। तो ये फॉर्मूला बन गया वृत्त की परिधि का, ठीक है। सब फॉर्मूला एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है अगर आप समझ सको तो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बोलो, मैं बोलना चाहता था आप लोगों को बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल। अच्छा वक्रतल का एक और नाम है पार्श्वतल, कहीं बुक में मेरे तो कंफ्यूज मत होगा, वक्रतल और पार्श्वतल एक ही है, वक्रतल का क्षेत्रफल। क्या आया, मैंने क्या बताया अभी भी, आधार की परिधि इंटू ऊंचाई, है ना। क्या फॉर्मूला है यहां देखता हूं मैं, आधार की परिधि गुने ऊंचाई, ठीक है ना। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किया गया था, मैं लास्ट में लिखूंगा, ठीक है। दूसरा अगर बात किया जाए, दूसरा मैं जरूर बताऊंगा समग्र क्षेत्रफल, उसके पहले अगर मैं बात कर रहा हूं बेलन की परिधि का वक्रतल का क्षेत्रफल का, तो उससे एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग चलेंगे समग्र क्षेत्रफल पे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हूँ, बहुत शॉर्टकट तरीके से लिखा हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझा पाऊँ, एक एग्जाम्पल रहता है जिससे मैं आपको इस फॉर्मूला को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। हम लोग अभी भी क्या सीखे, बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार की परिधि गुने ऊंचाई, आधार की परिधि गुने ऊंचाई। अब जरा देखिएगा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है बेलन का आधार का व्यास, ऐसा आपको मिलेगा क्वेश्चन, बोलेगा बेलन का आधार का व्यास दिया हुआ है और बोला ऊंचाई दे देगा, व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दे देगा। अब पूछा है आपसे बताओ इस बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होगा, ज्ञात करके बताओ। तो कैसे बताएंगे जानिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास है दिया हुआ हमें आधार का व्यास, व्यास यानी कि क्या दिया हम लोगों को, डी दिया हुआ है ना। और हम लोग आधार की परिधि कैसे निकाल सकते हैं, डी पाई से, हाँ कि ना, डी पाई से अगर आधार की परिधि निकाल सकते हैं तो क्या आएगा हम लोगों का, इसके वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा, वक्रतल का क्षेत्रफल क्या आएगा, हम जानते क्या है फॉर्मूला, आधार की परिधि ऊंचाई, आधार की परिधि गुने ऊंचाई, यही ना। अब आधार की परिधि हम लोग कितने तरीकों से निकाल सकते हैं, बस दो तरीकों से निकाल सकते हैं, एक टू पाई आर से, एक डी आर, डी पाई से। टू पाई आर कब लगाएंगे, जब हमको आर यानी कि अर्धव्यास पता हो। डी पाई कब लगाएंगे, जब हमको डी यानी कि व्यास पता हो। तो इस केस में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है व्यास, तो डायरेक्ट हम आधार की परिधि के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डी पाई वाला, है ना। तो ये क्या हो गया, डी पाई इंटू ऊंचाई के अंदर एच बोल दे तो डी पाई एच हो गया हम लोगों का। डी फॉर डायमीटर, डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर, पाई का वैल्यू हमेशा से 22/7 होता है, 22/7 इंटू एच ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी हुई है देखिए, 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बातें समझ में आ गई, तो बस अगर इसको सॉल्व करना है कीजिए सॉल्व, 7 7 7 21। अब कीजिए इसको मल्टीप्लाई, कितना आएगा 12 3 36,
36 टू जा 72, 72 इनटू 11, 72 इनटू 11, 792। और ये सब किस में था? ग्लोबल सेंटीमीटर था, तो इसका यूनिट जगह स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आगे आंसर, यानी कि अगर जो हम लोग का बेलन है, उस बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 792 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा वर्ग मैंने क्यों लिखा? मैंने पहले बताया था क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है और मेंस्ट्रुएशन में मास इसी सब में करता है। एक आप डायग्राम बनाओ, बनाओ दूसरा यूनिट, ठीक है? ये दो छोटी छोटी बातें हैं जिसमें आप लोग बहुत ही गंदे तरीके से इग्नोर करते हैं इसको। डायग्राम कभी बनाते ही नहीं हो और यूनिट को तो ऐसे करते जैसे कुछ है ही नहीं हो। मेन मेन सम्स नंबर्स को सॉल्व कर दो और आंसर दे दो और आपका मार्क्स फिर कम आता है। फिर आप घर पे आकर सोचते हो कि मेरा मार्क्स कम क्यों है, मैंने तो सब सही बनाया था। बहु मार्क्स यही से योग करता है। अगर आप इस तरीके से डायग्राम बना के यूनिट वगैरह सब करेक्ट फॉर्म में लिख करके अब आओगे एक मार्क्स भी नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से बनाना है आप लोगों को। उम्मीद है आपको वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आधार की परिधि निकालते हैं, उसको ऊंचाई से गुणा करते हैं, हम लोग का आ जाता है क्या, वक्रतल का क्षेत्रफल। अब आधार की परिधि अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हो, ठीक है ना, और ऊंचाई तो दिया होगा। अगर ऊंचाई नहीं दिया होगा तो कुछ और ऐसा जरूर दिया होगा क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन जिससे ऊंचाई निकाली जा सकती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है ना, इसके बहुत से सम्स हैं, हम लोगों को हम लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अभी मैं आपको दो चीज यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ, परिधि, ये वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है इसी को मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट कर देता हूँ। यहाँ देखिए आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। आधार की परिधि मैंने बताया दो तरीकों से लिख सकता हूँ। तो पहला एक मैंने जो अभी यूज किया यहाँ पे डी पाई एच, डी पाई आधार की परिधि है इंटू एच, ये भी हो गया एक वक्रतल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, एक और हम लोग लिख सकते हैं, वो क्या है, डी यानी कि क्या, टू आर। अब ऐसे सोचो आधार की परिधि आप आर से निकाल लेंगे टू पाई आर, है ना, तो क्या आ जाएगा ये वाला 2 पाई आर इंटू एच, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ये वाला बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, 2 पाई आर एच बेलन के वक्रतल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक, इन जनरल यही है बाबू आपका आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और इसी को हम लोग थोड़ा सा जब एवेल्युएट किए तो हम लोग को ये चीज मिला डी पाई एच, इसको और एवेल्युएट किए तो ये मिला, ये बेसिक फॉर्मूला बहुत सारा। ठीक है ना, उम्मीद आपको याद रहेगा ये चीज़, और वक्रतल का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा दिमाग में। जो वक्रतल होता है, जो कर्व होता है, घुमावदार तल होता है, मैं सिर्फ उसका क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ इसमें। ठीक है ना, अब बात करते हैं बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल का। देखिए समग्र तल का क्षेत्रफल में नाम पे गौर फरमाइए, मैं क्या बोल रहा हूँ, समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र मतलब संपूर्ण सारा सारा तल। मैंने क्या बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही, बेलन कितने तल होते हैं, तीन तल होते हैं, एक होता है हम लोग का वक्र तल और दो समतल होते हैं जो आधार में होता है और एक तो ऊपरी तल में होता है ना। अगर मेरे को चाहिए संपूर्ण तल का क्षेत्रफल तो हम लोग क्या करेंगे, बेलन के वक्र तल के क्षेत्रफल में आधार और ऊपरी तल के क्षेत्रफल को मिला दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो क्या हम लोगों का समग्र तल का क्षेत्रफल निकल के आएगा? हाँ या ना बोलिए, देखते ही समझते ही मैं, हम लोगों को पता है बेलन के वक्र तल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है अभी मैंने बताया 2 पाई आर एच या फिर डी पाई एच, इन जनरल आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। लेकिन हम बात करते हैं समग्र तल का, समग्र तल में इसके वक्र तल के क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल और ऊपरी तल का क्षेत्रफल दोनों को मिला दे तो संपूर्ण तल हुआ कि नहीं हुआ, बस वही तो करेंगे। देखते जाओ, हमको चाहिए संपूर्ण यानी कि तो संपूर्ण लेता हूं, संपूर्ण या समग्र दोनों का एक ही मतलब है, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या 2 पाई आर एच, ये हम लोग का क्या था वक्र तल का क्षेत्रफल प्लस क्या करना हमको आधार और ऊपरी तल के क्षेत्रफल को मिला देना है ना। आधार और ऊपरी तल दोनों ही समान वृत्त है, एक समान वृत्त है, तो और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह का पाई आर स्क्वायर कितना सारा है, एक नीचे में पाई आर स्क्वायर है और एक ऊपर में पाई आर स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर होगा, इसमें मिला हुआ देखिए लोग आ ही है,
ये वाला जो गाड़ी है ना, तो ये पाई आर स्क्वायर से ये क्षेत्रफल प्लस ये पाई आर स्क्वायर से ये क्षेत्रफल, दोनों को मिलाएं तो कितना आ गया 2 पाई आर स्क्वायर गया, एक पाई आर स्क्वायर और एक पाई आर स्क्वायर दोनों मिला के कितना आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें अगर मैं प्लस कर दूं 2 पाई आर स्क्वायर तो क्या निकल के आ जाएगा, बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं अपना सुविधा के लिए, देख रहे हैं 2 पाई आर 2 पाई आर दोनों कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, ये होगा क्या 2 पाई आर, यहां से बचता है एच, यहां से बचता है आर, फॉर्मूला क्या निकल के आ गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, बातें समझ में आ गई। तो ये था संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला इन जनरल, बट कहीं कहीं खेल देता है, सम है बाबू खेलेगा मैथ से हम लोग साथ, तो मैथ हम लोग खेलेगा कभी कभी, पता क्या करेगा कभी कभी करेगा ये कि बोलेगा ना इसका एक मुंह खुला हुआ है, मतलब ऊपर का कोई तल है ही नहीं, लो अब बताओ समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब ये ऊपर में कोई तल है ही नहीं, अब खाली है भांडा सकता था, है ना, ऊपर खाली है, नीचे का तल है आधार का तल है बट ऊपर में कोई तल नहीं है। तो इस केस में समग्र तल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मेरा एक मुंह खुला हो गया, देखो आप एक ध्यान देखो, एक मुंह खुले लंब वृत्ताकार बेलन का समग्र तल का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला क्या होगा, समग्र तल का क्षेत्रफल क्या आएगा, अगर मेरा एक मुंह खुला हुआ है तो समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आएगा, बहुत जैसे हमने निकाला बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे, कुछ करना नहीं, समग्र तल का क्षेत्रफल ना ऊपर में कोई तल नहीं है, तल है नहीं तो मापेंगे भी नहीं, उसका कोई मेजरमेंट होगा ही नहीं, तो किसका मेजरमेंट होगा, ओवरऑल एक वक्र तल का और एक केवल आधार के तल का, हाँ कि ना, सोचिए एक वक्र तल का एक आधार के तल का, मेंसुरेशन बहुत मैंने पहले ही बताया था, आप इमेजिन कीजिए ऊपर में कोई तल नहीं है, सिर्फ वक्र में तल है और आधार में तल है, जितना अच्छा इमेजिनेशन कर पाइएगा उतना अच्छा बहुत बातें सब समझ में आएगी, उतना अच्छा बातों को रिलेट कर पाओगे, और जितना अच्छा रिलेट कर पाओगे उतना अधिक से अधिक सम्स को सॉल्व कर पाओगे, वो भी खुद ब खुद अपने हाथों से, ठीक है ना, और अपने दिमाग से, उसमें बहुत मजा आएगा। सोचो सोचो इसका क्या होगा वक्र तल का क्षेत्रफल, क्या आएगा 2πRh, ये क्या निकल के आ गया इसका वक्र तल का क्षेत्रफल, और क्या ऊपर का तो कोई तल है ही नहीं, मतलब ऊपर का पाई आर स्क्वायर लेंगे नहीं, सिर्फ क्या लेंगे नीचे का पाई आर स्क्वायर, सिर्फ केवल एक पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। अब इसको अगर आप कलाकारी करना चाहो तो कॉमन लो, या तो पाई आर ही कॉमन लेना, कुछ अच्छा बनेगा नहीं, पाई आर कॉमन है 2h बचेगा, यहाँ पे 2h प्लस आर हो जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हो, मैं इसको एज इट इज रहते जैसे छोड़ दूँ, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का क्षेत्रफल का बेलन का फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके पहले मैं आपको नोट में एक बात लिखवा दूं, पहले बताया हूं फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, क्या है बात, क्षेत्रफल कभी भी आप निकालो, कभी भी क्षेत्रफल निकालो उसका यूनिट स्क्वायर यूनिट देना, वर्ग का यूनिट, ठीक ना, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में रहता है, वर्ग इकाई में रहता है, ठीक है ना। ये है नोट करने वाली बात जिसमें बच्चे गलती करते हैं, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में रहता है, आप किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालो, बेलन का हो, आयत का हो, वर्ग का हो, किसी भी चीज का, अगर आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो उसका जो इकाई होगा, इकाई क्या होता है, सेंटीमीटर मीटर डेसीमीटर हेक्टोमीटर किलोमीटर, ये सब के सब इकाई है, ये सारे के सारे हमारे इकाई है, जितने भी इकाई है वो सब वर्ग इकाई होगा जब हम क्षेत्रफल निकाल रहे होंगे, कभी बताऊंगा ये कैसे वर्ग इकाई होता है, ठीक है। अभी के लिए सम देखते हैं, सम वर्ग का क्षेत्रफल पे ये देखिए, मैंने एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है, बहुत ही आसान से तरीके में लिखा है क्वेश्चन, इसमें बहुत बड़ा दिया होगा, बोलेगा एक लंब वृत्ताकार बेलन के आकार का टैंक है जिसके आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है एवं उसकी ऊंचाई 21 मीटर हो, तो उस बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल निकालिए, और हम ढक्कन युक्त टैंक है ना,
ढक्कन युक्त बेलन है, टैंक जो है ढक्कन युक्त है, ढक्कन युक्त मैं लिखना भूल गया, ढक्कन युक्त है मतलब क्या हो, वो ढक्कन है ऑब्वियसली मतलब ऊपर का तल है, ऊपर का तल है इसमें है ना, ऊपर का तल है नीचे भी तल है, मतलब इसका समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, समग्र तल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लगेगा, वो पहले वाला जो हम लोग लिखे थे 2πr(s+r) वाला है ना, मतलब बेलन के वक्र तल के क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल, आधार के तल का क्षेत्रफल और ऊपरी तल का क्षेत्रफल दोनों जोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर मिलल तल है बोला ढक्कन युक्त है, तो ठीक है ना। देखिए हम लोग को क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है इसके समग्र तल का क्षेत्रफल, बट इसमें थोड़ा सा सोचिए हम लोगों को चाहिए क्या, समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर मैं निकालूं, अगर हम लोग लिखे आपके समग्र तल का क्षेत्रफल रफली कहें मन में सोचना तुम लोग, ये चीज मैं यहाँ पे लिख कर दिखा रहा हूँ, तो होता है 2πr(h+r), ये है हम लोगों का समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इन जनरल यही ना, शॉर्टकट वर्ड करके पूरा मॉडिफाई वगैरह करके यही ना निकल गया था। इसमें दिए हुए इंफॉर्मेशन और डाटा को थोड़ा देखिए गौर से, क्या क्या हमको जरूरत है समग्र तल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालने के लिए, हमको लगेगा h यानी कि ऊंचाई जो कि साफ साफ दे दिया हुआ है, दूसरा जो लगेगा वो है हम लोगों का अर्धव्यास r, पाई के वैल्यू तो खैर कांस्टेंट है पता है, 22/7 होता है, 2 तो 2 ही है, हमको दो चीज चाहिए, ये बात दिमाग में डाल लीजिए, ये इसी सम के लिए किसी ढंग बेलन से रिलेटेड आप कोई भी अगर सम बना रहे हो तो उसमें आपको केवल दो ही चीज चाहिए, और वो दो चीज अगर आपको पता है तो बाकी सब चीज आप निकाल सकते हैं, वो दो चीज क्या है, एक है अर्धव्यास दूसरा है ऊंचाई, अर्धव्यास और ऊंचाई इन जनरल यही दो चीज चाहिए, अब बाकी तो सब कुछ भी निकाल लो, जो पूछेगा सब निकाल के बता देंगे, फॉर्मूला है ये हमारे पास फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, और अगर भूल जाओ तो जैसे बताया वैसे निकाल लेना सॉल्व करके, है ना, कॉन्सेप्ट है हमारे पास, तो हाँ तो समझ में आ गया यहाँ पर, हम लोग को दो चीज चाहिए, एच दिया हुआ था, आर नहीं दिया हुआ है, लेकिन आर के बदले में हमको एक चीज और दिया हुआ है, वो क्या है, टैंक के आधार का क्षेत्रफल, टैंक के आधार का क्षेत्रफल, हम लोग बच्चे पता है टैंक का जो आधार होगा ये लंब वृत्ताकार बेलन है, इसलिए उसका जो आधार होगा एक वृत्त के आकार का होगा, एक वृत्त के आकार का, तो वृत्त के आकार का क्षेत्र, वृत्त के आकार का मतलब वो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इससे हम लोगों को समझ में आया कि ये पाई आर स्क्वायर के बराबर है, और पाई आर स्क्वायर के बराबर निकाल के वहां से आर आसानी से निकाला जा सकता है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं इसका, देखिए हल कितना सिंपल है, देखते जाइए क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना दिया है, 616 वर्ग मीटर, आधार एक वृत्त के आकार का ऑब्वियसली नो डाउट, तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, एनी डाउट, नहीं है सर कोई भी डाउट, इतना अच्छा सर बताइएगा तो कहां से डाउट होगा, चलो तारीफ मत करो, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 आर, आई डोंट नो मुझे भी पता है तुमको भी नहीं पता होगा, आर स्क्वायर 616 ठीक है, बस आर का वैल्यू निकालना ना, एक एक करके उधर भेजो ना, पहले 22/7 उधर जाकर क्या बनेगा, आर स्क्वायर रहेगा 616 × 22/7 उधर क्या बना 7/22 कट कीजिए 2 से 11 बन गया 2 से ये कटेगा 2 से 6 हाँ यहाँ बच्चे होशियार बन जाते हो बता रहा हूँ क्या करते देखो ये मस्त सवाल आ गया मेरे पास एक चीज आपको सिखा पाऊंगा 2 3 6 और फिर कर देते हैं 2 8 16 और उनको लगता है कि कट गया हो गया मेरा सवाल सॉल्व हो गया मजा आ गया कितना आनंद हो गया पता ही नहीं चला कि ये गलती क्यों हमने यहाँ पे एक बार में वो एक ही चीज देते हैं अब 2 से 3 6 को कटा चलेगा 1 को कटा बिना तुम 16 को कटाओगे तो फिर गलत हो जाएगा अगर आपको ये 6 भी देना है तो यहाँ पे एक घूस के तौर पर 0 देना पड़ेगा एक बार में एक ही चीज को कटाने का सोच सकते हैं दूसरा चीज अगर कटाने का सोच रहे हो उसको मिला करके तो 1 0 देना होता है ठीक इसके वजह से यहाँ पे 3 8 उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेसिक चीज है 11 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
8 बचा, 8 की बन गया 88, 11 8 जाए 88, तो अल्टीमेटली आया क्या 28 into 7। ऑलराइट, हमको r चाहिए स्क्वायर रूट उधर इधर, उम्मीद है पता होगा आप लोगों को स्क्वायर उधर इधर तो स्क्वायर रूट चलता है, स्क्वायर रूट ऑफ 28 into 7 है ना। तो मैं डायरेक्ट फैक्टर लिखूं, 28 का फैक्टर आप रफ में कर लेना ऐसे 28 का, ठीक ना। तो मैं कर रहा डायरेक्ट 28 का आएगा 2 into 2 into 7, देखिए 2 to 4, 4 to 7 28, और फिर 8 to 7 था मैंने लिख दिया। पेयर बनाओ बाबू, 2 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन गया 2 निकल के आ गया, 7 का पेयर बन रहा है 7 निकल के आ गया, मल्टीप्लाई हुआ आया कितना 2 to 14, ये हम लोग का 616 मीटर स्क्वायर था, इसलिए आर है, चूंकि ये क्षेत्रफल था इसलिए वर्ग इकाई में है, और हम लोग निकाल रहे हैं अर्ध यार्ड, इसलिए ये केवल इकाई होगा। देखिए जो पता करना था पता चल गया हम लोगों का, क्या क्या पता करना था अर्धव्यास, क्या पता करना था अर्धव्यास, हम लोग को ऊंचाई पता था, अर्धव्यास नहीं दिया था डायरेक्टली, हम लोग 10th क्लास में हर बार हर कुछ डायरेक्टली ले लेगा, कभी कभी हम लोग को इस तरीके कलाकारी करने देगा, हमको अपनी मैथ के आंखों से उसमें देख लेना होगा कि बस इसी के अंदर तो है अर्धव्यास, इसको सॉल्व करके हम निकाल लेंगे अर्धव्यास, ठीक है ना। तो बातें समझ में आ रही होगी आपको, यहां से हमको आर मिल गया, ऊंचाई दिया हुआ था, अब चाहिए क्या, अब क्या चाहिए, अब हम लोगों को चाहिए इसका आयतन निकालना, मैं इसको डायग्राम में डालूं, ठीक है ना। वी नीड स्पेस, देखिए आर हम लोग बस एच दिया हुआ है, क्या चाहिए समागत का क्षेत्रफल निकालिए, इसलिए वैसे वैसे आप इमेजिन करते जाइए। देखिए
हमारे पास आधार का क्षेत्रफल निकल के आएगा। आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या, मैंने ये जगह को मेजर कर लिया कि कितना है हमारा, कुछ भी होगा मैंने इस जगह को मेजर कर लिया। सारी जगहों को मेजर करने के बाद अब जैसे जैसे ये ऊंचाई से इंटू हो रहा है, जैसे जैसे मैं इसको ऊंचा लेके जा रहा हूँ, तो आई थिंक एक्चुअली में होता क्या है, कोई कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर कितना चीज रखा जा सकता है, जितना रखा जा सकता है उस कंटेनर का वॉल्यूम, उस कंटेनर का आयतन उतना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बोतल में ये स्प्राइट थम्सअप कोको वाला बॉटल आता है ना, उस बोतल में अगर मैं 2.25 लीटर वाला बोतल की बात करूँ तो उसका 2.25 लीटर क्या है, उसका वो आयतन है, उसके अंदर आप 2.25 लीटर तक पानी हो, स्प्राइट हो, माजा हो, कोल्ड ड्रिंक को डालकर रख सकते हो, है ना, वो उसमें ज्यादा ही हो गया तो हम लोग उसमें रख सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट आयतन का कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी एक कंटेनर में कितना जगह है कोई सामान को रखने का, जितना जगह है वो उसका आयतन कहलाता है। और उस जो अंदर में जा करके उन सभी जगहों को कैसे मापा जाए, वो हवा में चीज है उसको कैसे मापा जाए, देखो बहुत सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, आधार का क्षेत्रफल निकालता हूँ, मैंने ये पूरा निकाल लिया, पूरा जगह को मापते हैं पूरा कितना है, उसके बाद क्या करूंगा, उसको मैं धीरे 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 ऊंचाई से पूरा करूंगा, और वो जैसे जैसे ऊंचा उठते जाता है वैसे से उस सभी जगहों को मापता हुआ ऊपर उठता है वो क्षेत्रफल। सोचो ना कि एक चकड़ी है जो चल रहा है और वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, तो वो जैसे जैसे ऊपर उठेगा 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 वो सभी जगह पर सभी जगहों को मापता हुआ उठेगा, समझ आया ना। तो ये इस तरीके से होता है कुछ, मैंने ये क्षेत्रफल निकाल दिया, ये जगह पर निकाल दिया, और इसको मैं जैसे जैसे ऊंचाई से गुना कर रहा हूँ ये सभी जगह को जा रहा है, सभी जगह को मापते हुए जा रहा है, क्योंकि मैंने जो सारा जगह को मापा है ये सारा जगह उठते जा रहा है, और ये सभी जगह को मापते हुए ऊपर हो जाएगा, ठीक है। जितना ऊंचाई से इंटू कर रहे हो उतना जगह से वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, वो ऊपर उठता जाएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से उन वो सभी जगह हमारा मेजर हो जाएगा, जिस जगह जो उसके अंदर में है एक सब मालूम, तो आयतन हम लोगों का मेजर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल को जैसे ऊंचाई से गुणा करोगे उसके अंदर का जो जगह है वो सारा जगह अपने आप ही मेजर हो जाएगा, और हम लोग का निकल के आ जाएगा हमारा आयतन, ठीक है ना। तो इन जनरल आयतन का फॉर्मूला क्या बना, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है, बेलन के बेलन का आयतन का क्या बना, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। ये हम लोग का इन जनरल फॉर्मूला आ गया, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ, अब इसके बाद अगर थोड़ा सा इसको तोड़ लिए अपने सवाल अपने सम्स के बिहाफ में, एग्जाम थोड़ा सा आसानी से बन जाए, उसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, हमने अभी अभी क्या पता किया था, थोड़ा सा बेलन का आधार एक वृत्त के आकार का होता है, इसलिए लंब वृत्ताकार बेलन है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई स्क्वायर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है, पाई स्क्वायर, और ऊंचाई को इन जनरल एच से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो याद ही होगा, अगर याद नहीं है तो अभी से याद रखो, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई क्या होगा एच, तो आयतन का फॉर्मूला क्या बना, पाई आर स्क्वायर एच, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर एच घन निकाल, क्या हो गया हम लोग का घन निकाल। सर अभी तो थोड़ा देर पहले आप वर्ग की बात कर रहे थे, थोड़ा देर पहले तो हम क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में रहता है, आयतन हमेशा घन इकाई में रहता है, इस बात को भी आप नोट डाल के लिख लीजिए, ठीक है ना, नोट डाल के ये बात को लिख लीजिए ताकि आप कभी इसमें मिस्टेक ना करो, छोटी बात पर मोटी बात लिखना पड़ेगा, वरना इसी सभी में गलतियां होती है अक्सर बच्चों की। क्या होगा नोट में, क्या आयतन सदैव, सदैव ज्यादा भारी बढ़ जाता है ना, हमेशा लिखा हूं आयतन हमेशा, ओहो हमेशा आयतन हमेशा घन इकाई में रहता है, आयतन हमेशा घन इकाई में रहता है, इकाई वही मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर हेक्टोमीटर किलोमीटर सब सारा इकाई है हम लोगों का,
तो ये हम लोग का हिसाब है, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक सम देखा जाए, आयतन निकालने के ना दो तीन तरीकों से आपसे सम पूछ लेगा। एक में तो डायरेक्ट आपको दे देगा आधार का क्षेत्रफल कितना है, ऊंचाई कितना है, डायरेक्ट दे देगा। आधार का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतना है, आपको उस केस में क्या करना है, बस उन दोनों को गुणा करना है। आधार का क्षेत्रफल होना चाहिए, उन दोनों का गुणा करते ही आपका आयतन आ जाएगा, और आयतन को ध्यान से घन इकाई में लिख दीजिएगा, ठीक। एक केस आएगा कि आपको आधार का परिधि अर्धव्यास दे देगा, ये लास्ट केस है, आधार का परिधि दे देगा, अब बड़ी आयतन में। तो उस केस में जब आधार का परिधि देगा तो हम लोग पास टू पाई आर है, टू पाई आर है, उसको सॉल्व करके उस केस में हम लोगों को पहले आर निकालना पड़ेगा। जैसे इसके पहले बस हमने निकाला, कैसे निकाले थे आर, टू पाई आर सर पाई आर स्क्वायर से निकाले थे, हाँ, तो वैसे ही टू पाई आर को भी वैसे उसके परिधि से इक्वल निकाल करके आर निकाला जा सकता है। और हम लोगों को जब आर आ जाएगा, एच दिया होगा तो एच निकाल जाएगा, अगर एच नहीं दिया होगा तो फिर कुछ ऐसा जरूर दिया होगा जिसे एच निकाला जा सके, ठीक है। क्वेश्चन में हमेशा आपको सब पीछे इन्फॉर्मेशन जरूर दे देगा जिससे आप वो जो भी पूछ रहे हो आप सॉल्व कर पाओ। बस किस बात का चिंता है, किस बात की कमी है, कमी है आपके सोचने की। बस आप सोचिए और विश्वास कीजिए मेरा, अब जब जब इसको सोच करके सॉल्व कीजिएगा ना, आपको एक अजीब अद्भुत सा फीलिंग आएगा, एक खुशी वाला फीलिंग, और वो फीलिंग को कोई शेयर नहीं कर सकता, ना ही हम ना ही आप, वो आपका है। जब जब आप अपने दिमाग को यूज करके एक सम को सॉल्व कीजिएगा, तब तब एक आपको विनर वाला फीलिंग आएगा, और वो विनर का फीलिंग ना वो सॉल्व करने के बाद ही है, कहीं से कॉपी करके सॉल्व करने से नहीं आएगा, वो खुद से करोगे जब तभी मजा आएगा। तो मजा चाहिए तो थोड़ा सा दिमाग को दोहराना पड़ेगा, दोहराओ और लाओ। चलिए मैं एक टाइप का सम सॉल्व कर, जैसे आपको आयतन का सम क्लियर हो जाए। चलिए एक तो मैं बोल रहा हूँ आधार का कोई क्षेत्रफल है, इसे पहले में देता है आधार का दिया होता था 616 वर्ग मीटर है ना, चलो वही बेलन देता जो पहले था लोग का आधार का क्षेत्रफल देता 616 वर्ग मीटर, ऊंचाई मेरे ख्याल से कितना था 21 मीटर, ठीक है। अब बोला इसको ऊंचाई निकालो, मतलब इसका आयतन निकालो। हम लोगों को आधार का क्षेत्रफल पता है, ऊंचाई पता है, क्या निकालना है, आयतन निकालिए। फॉर्मूला क्या आएगा, आयतन का फॉर्मूला क्या आएगा, जनरल फॉर्मूला ये ना, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, कितना आधार का क्षेत्रफल 616 इंटू ऊंचाई कितना है 21। अब इसको गुणा करके आप लोग का काम में लिख दीजिएगा, गुणा करके कितना आ रहा है आंसर वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मीटर क्यूब, ठीक है ना। जो भी आएगा मीटर क्यूब में पूछिएगा, क्यों ये मीटर स्क्वायर में है, मीटर में दोनों का गुणा होगा मीटर क्यूब हो जाएगा। और वैसे भी मैंने बता रखा है, हमने निकाला है आयतन, आयतन हमेशा घन इकाई होता है, पावर में घन होगा, ठीक है ना, घन मीटर या फिर घन इकाई, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए, एक और थोड़ा सा देखता हूँ हल्का फुल्का, बस हम लोग वीडियो को खत्म करने के कगार पे है। अगर मेरे को आधार की परिधि दे रहा है, यानी कि 2πr परिधि दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ है, और फिर बोलेगा आयतन निकालने को, तो कैसे निकालेंगे, हाउ हाउ हाउ, सिंपल है बताता हूं। हम लोग को आयतन निकालने के लिए जो दो चीज चाहिए वो है क्या, उसके फॉर्मूला पे गौर फरमाइए, फॉर्मूला पे गौर फरमाइए, क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, अल्टीमेटली आर और एच चाहिए, मैंने पहले ही बता रखा है। बेलन का अगर कुछ भी पूछे आर और एच पता है आपको तो निकाल दीजिएगा, अर्धव्यास और ऊंचाई, तो देखिए जैसे ऊंचाई साफ साफ उसको दिया रहेगा, अर्धव्यास इसके सहारे निकाला जा सकता है, कैसे, यहां से अगर मैं चाहूँ आपको फॉर्मूला बनाने का अर्धव्यास का, तो दीजिए बना देता हूँ, अर्धव्यास का फॉर्मूला परिधि बाई 2π, ठीक है ना, परिधि बटा 2π करिएगा, आर निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, एच दिया होगा, और उसके बाद तो आप पाई आर स्क्वायर एच बैठा के आयतन निकालने के लिए हीरो है, आप लोग निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है,
तो आज के लिए बस हम लोगों का इतना ही है। आप लोग जितने फॉर्मूला मैंने बताया, बेसिक तीन ही फॉर्मूला बताया, उससे रिलेटेड कुछ सम्स भी बताया, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला को पूरा अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, और उसके बाद जाके इससे रिलेटेड जितने सम्स मिलते हैं सॉल्व कीजिए। अगर इन केस कोई सम्स आपका डाउट में आता है, जो सम नहीं बनता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊं मैं उन्हीं सभी क्वेश्चन को डील करूंगा, ठीक। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, और घर पे सुरक्षित रहे और पढ़ाई करते रहे।